दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली के तूफानी शतक को देखकर साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी की। इस दौरान विराट कोहली ने शतक लगाकर सभी को प्रभावित किया, जिसको देखकर साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने बड़ा बयान दिया है। इसी बीच एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन से लेकर हाशिम अमला ने विराट कोहली के शतक की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार विराट कोहली के तूफानी शतक को देखकर साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने क्या बयान दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और रोहित शर्मा में कौन महान बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर आज एक रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान रोहित शर्मा 24 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं शुभमन गिल 24 गेंदों पर 23 रन बनाने के बाद पवेलियन चले गए। इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों ने मिलकर टीम को संभाला, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना अर्धशतक पूरा किया। साथ ही में शतकीय साझेदारी पूरी करते हुए साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को परेशान किया। इस बीच विराट कोहली ने 67 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद विराट ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक भी पूरा कर लिया और वनडे में 49 शतक पूरा करने के साथ सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इसके बाद साउथ अफ्रीका के दिग्गजों ने बयान दिया, जिसमें एबी डिविलियर्स ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। उन्होंने आज बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाकर दिखा दिया कि उनसे बेहतर मॉडर्न क्रिकेट बल्लेबाज पूरी दुनिया में फिलहाल की स्थिति में तो कोई भी नहीं है। विराट ने पिछले कुछ समय से अच्छा प्रदर्शन किया है, उसको देखकर मैं भी हैरान हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विराट कोहली के जन्मदिन के दिन शतक लगाकर दिखा चुके हैं कि वो भारतीय टीम को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है और ऐसे में अब विराट कोहली को वर्ल्ड कप में रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो वहीं डेल स्टेन ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली ने आज के मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया और शतक लगाकर दिखा दिया कि उनसे बेहतर बल्लेबाज आज के क्रिकेट में कोई भी नहीं है। विराट कोहली को बेशक क्रिकेट का भगवान नहीं कहा जाता, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट का बादशाह सिर्फ उन्हीं को माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने जिस तरीके से आज के मैच में शतक लगाया है, वो इस बात का सबूत है कि विराट कोहली इस दुनिया में सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनने की तरफ अग्रसर हो चुके हैं और ऐसे में विराट कोहली को रोक पाना किसी भी टीम के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। तो वहीं हाशिम अमला ने बयान देते हुए कहा कि विराट ने आज शतक लगाकर सभी को प्रभावित कर दिया। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए पूरी दुनिया में बता दिया कि उनसे बेहतर और मॉडर्न बल्लेबाज कोई भी नहीं है। उनके पास दबाव को हैंडल करने का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप में जिस तरीके से विराट कोहली का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला, उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली के बेहतरीन प्रदर्शन के बिना शायद भारतीय टीम 300 रनों के पास भी नहीं पहुंचती। लेकिन आज के मैच में विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन और शतक के चलते भारतीय टीम में 300 रनों का आंकड़ा पार किया, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। तो वहीं फाफ डु प्लेसी ने बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली ने आज शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, जो कि काफी मुश्किल रिकॉर्ड है, क्योंकि इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना किसी भी खिलाड़ी के लिए काफी मुश्किल था। लेकिन विराट कोहली ने अपने लगातार बेहतर प्रदर्शन के चलते सचिन तेंदुलकर के इस बड़े रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास रच दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली का फॉर्म शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। इस तरीके से उन्होंने आज के मैच में बेहतर प्रदर्शन किया, उससे एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि भारतीय टीम को विराट कोहली के दम पर इस वर्ल्ड कप में मजबूती मिल रही है और इसी के दम पर वो वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि विराट कोहली जल्दी क्रिकेट में 100 शतक पूरे करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों विराट कोहली के तूफानी शतक को देखकर सचिन तेंदुलकर ने दिया बड़ा बयान, कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली का तूफानी शतक देखने को मिला है, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस बीच विराट कोहली की तारीफ करते हुए सचिन तेंदुलकर ने बयान जारी किया। उन्होंने विराट कोहली को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार विराट कोहली की शतक की तारीफ करते हुए सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली में कौन महान बल्लेबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों जैसा की आपको पता है, भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का रोमांचक मैच खेला गया। आज कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में भारत के दिए गए टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने
करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा 40 रनों की तूफानी पारी मात्र 24 गेंदों के अंदर खेलकर अपना विकेट दे दिए, जिसके बाद दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल भी 24 गेंदों पर 23 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने मिलकर टीम को संभाला और इस दौरान विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उनके साथ साथ साझेदारी की और 67 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक लगाने के बाद अपना शतक पूरा करते हुए सचिन तेंदुलकर के 49 शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की, जिसको देखकर सचिन तेंदुलकर ने बयान दिया, जिसमें सचिन ने बयान देते हुए कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजों की जबरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिली है। इस दौरान विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बता दिया कि वो भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम को मजबूती दिलाने का काम कर सकते हैं। इस मैच में भी हमारी टीम जब संकट में आ चुकी थी तो विराट ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को संभाला और एक ऐसा प्रदर्शन कर दिया जिसकी तारीफ चारों तरफ हो रही है। इस मैच में विराट कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर महत्वपूर्ण साझेदारी की। अगर विराट कोहली अच्छी बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी नहीं बनाते तो शायद इस मैच में भारतीय टीम को फायदा नहीं मिलता और विराट कोहली शतक नहीं लगा पाते। ऐसे में विराट कोहली के तूफानी शतक को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके अलावा उन्होंने बयान देते हुए कहा कि इस वर्ल्ड कप में इस मैच में विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए शतक लगाया है। उन्होंने शतक लगाने के साथ पूरी दुनिया को बता दिया कि वो इस क्रिकेट के सबसे बड़े करिश्मा है और उनसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी इस समय मॉडर्न क्रिकेट में तो फिलहाल कोई नहीं है। भारतीय टीम के पास कई खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से विराट कोहली ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया और इस मैच में शतक लगाकर मेरे रिकॉर्ड की बराबरी की, उसकी मैं तारीफ करता हूँ, क्योंकि विराट कोहली ही एक ऐसे खिलाड़ी थे जो मेरे रिकॉर्ड को तोड़ सकते थे, क्योंकि उनके पास वो पूरी की पूरी काबिलियत मौजूद है जिसके चलते मेरे रिकॉर्ड को तोड़ पाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। विराट कोहली के द्वारा किए गए इस प्रदर्शन की सराहना मैं करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरे रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर 50 शतक पूरे करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करें। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ विराट कोहली ने तूफानी पारी खेल कर दिया करोड़ों देशवासियों को जन्मदिन का गिफ्ट। वहीं वापसी कर साउथ अफ्रीका की टीम ने मैच में ला दिया नया ट्विस्ट। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका और भारत के बीच वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मैच खेला गया। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने जन्मदिन पर तूफानी पारी खेलकर सभी प्रशंसकों को जन्मदिन का ऐसा तोहफा दिया जिसको देखकर साउथ अफ्रीका की टीम के गेंदबाज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। तो आखिरकार कैसे जन्मदिन वाले दिन विराट कोहली ने बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को किस तरीके से प्रताड़ित किया और कैसे वापसी कर साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने मैच में रोमांच की सारी हदें पार की, ये तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन भारतीय टीम का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वनडे विश्व कप के दौरान आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को आमंत्रित किया। इस दौरान साउथ अफ्रीका की टीम एक बदलाव के साथ मैदान पर उतरी, जहां पर गेराल्ड गोएटची की जगह पर टीम में तबरेज शम्सी की एंट्री होती है। दूसरी तरफ से भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर आई, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी मैदान पर आई। वहीं गेंदबाजी की शुरुआत लुंगी एनगिडी ने की और इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर चौके के साथ शाही अंदाज में अपना और अपनी टीम का खाता खोला और पहले ओवर में 5 रन बटोरे और भारतीय टीम को इस मैच में काफी मजबूती दिलाने का काम किया। तो वहीं दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत मार्को यानसेन ने की, जहां पर बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल ने चौके के रूप में अपना खाता शाही अंदाज में खोला था और इसी अंदाज से तूफानी पारी खेली। हालांकि ओवर में गेंदबाज की खराब गेंदबाजी देखने को मिली, जहां पर बल्लेबाज ने 2 चौके समेत 17 रन बटोरे। तो वहीं एक बार फिर से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए लुंगी एनगिडी आते हैं, जिनके सामने रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मिलकर 3 चौके के साथ 13 रन बटोरे। वहीं चौथे ओवर में 23 रनों के स्कोर पर रोहित शर्मा का आसान सा कैच तबरेज शम्सी ने छोड़ दिया। हालांकि अगले ही ओवर में रोहित शर्मा ने अपना विकराल धारण करते हुए 2 छक्के और 1 चौके के साथ 16 रन बटोरे और अपनी कप्तानी पारी से विरोधी टीम को परेशान करते हुए दिखाई दिए।
ओवर में 50 रनों का आंकड़ा भारतीय टीम ने पार कर लिया था, लेकिन इसी बीच अगले ओवर में 62 रनों के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग गया, जहां पर कगिसो रबाडा ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को विरोधी टीम के कप्तान तेंबा बवुमा के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा 24 गेंदों पर 40 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जहां पर उन्होंने 6 चौके और 2 जबरदस्त छक्के भी लगाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 167 का था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए बर्थडे बॉय विराट कोहली मैदान पर आते हैं। इस दौरान विराट कोहली ने शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर शुभमन गिल ने 7 ओवर में अपना पहला छक्का लगा दिया, तो दूसरी तरफ से विराट कोहली ने 8वें ओवर में 4थी गेंद पर अपना खाता शाही अंदाज में चौके के रूप में खोल दिया। इस दौरान विराट कोहली आगे भी तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने लगे थे, जहां पर विराट कोहली ने पावर प्ले के अंतिम ओवर में लगातार 2 चौके लगाए और इसी के चलते भारतीय टीम ने 91 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले के अंदर बना दिए थे। लेकिन इस बीच अगले ही ओवर में 11वें ओवर के अंदर केशव महाराज ने भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। जी हां दोस्तों, केशव महाराज ने अपनी जबरदस्त गेंदबाजी के जरिए 93 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया, जहां पर उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम की बेहतरीन सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को अपनी फिरकी में फंसा लिया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया था। इस दौरान शुभमन गिल ने 24 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 23 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर मैदान पर आते हैं, जिन्होंने विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाला और इस दौरान श्रेयस अय्यर ने तीसरी गेंद पर 1 रनों के साथ अपना खाता खोला और ऐसे में विराट कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर 14 ओवरों में 100 रनों का आंकड़ा भारतीय टीम ने पार कर लिया है। तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने 20 ओवर में विराट कोहली का 36 रनों के स्कोर पर एक आसान सा कैच छोड़ दिया, जो कि काफी ज्यादा दिक्कत लेकर साउथ अफ्रीका की टीम को आ सकता था। इसी बीच 21वें ओवर में विराट कोहली को 37 रनों के स्कोर पर गेंदबाज केशव महाराज ने कैच आउट किया। हालांकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था, लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम में विराट कोहली को आउट करने के लिए DRS लिया और साउथ अफ्रीका की टीम का रिव्यू भी खराब चला गया, क्योंकि गेंद विराट के बल्ले से न लगकर पैड पर लगा था, जिसकी आवाज साउथ अफ्रीका को सुनाई दी थी। हालांकि दोनों बल्लेबाज इसी अंदाज से तूफानी पारी खेलते रहे, जहां पर दोनों बल्लेबाज एक्सेलरेटर पर पैर रखते हुए तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिए, जहां पर 25 ओवरों के अंदर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी पूरी की और इसी के साथ 25 ओवर की समाप्ति तक 143 रन 2 विकेट के नुकसान पर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बना दिए थे, जहां पर श्रेयस अय्यर और विराट कोहली दोनों जिस अंदाज से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज अपना अपना अर्धशतक ही नहीं बल्कि अपना अपना शतक भी पूरा करेंगे और भारत को 350 रनों तक ले जाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, भारतीय टीम की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।